हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मेरे व्यूवर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम व्हाट इज़ PLPR, एंड जब हम पेशेंट का विजन लेते हैं एंड विजन लेने के बाद अगर उसका विजन 6x6 नहीं होता या फिर 6x60 नहीं होता एंड उसको फिंगर काउंटिंग भी नहीं होती एंड हैंड मूवमेंट भी नहीं होता, देन उसके बाद जो टॉर्च करके ऐसे दिखाते हैं, टॉर्च को अप करते हैं, डाउन करते हैं, राइट एंड लेफ्ट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं एंड उसको कौन सा हम विजन का उस विजन को कौन सा नाम देते हैं, उसका मीन्स पूरा, उसका मेन पर्पस क्या रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो उस जो हमारा वो प्रोसीजर जो होता है जिससे हम क्या है विजन लेते हैं, उसको हम PLPR बोलते हैं। बेसिकली PLPR एक्यूरेट इनएक्यूरेट, जैसे आपने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन पर देखा होगा एंड जो भी सीनियर ऑप्टम होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, उनको भी देखा होगा कि टॉर्च लाइट से वो विजन लेते हैं। एंड मैं आपको आज थियोरटिकल बताऊंगी एंड आपको कोई भी पेशेंट अगर हाई मायोपिक आता है या फिर कोई भी पेशेंट हाई मैट कैटरेक्ट वाला आता है, मैट कैटरेक्ट का कोई भी पेशेंट आता है, स्पेशली मैं उस पर आपको दिखाऊंगी कैसे पूरा प्रोसीजर करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है, सो फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद है एंड जब हम उसका विजन लेते हैं, तो बेसिकली हम विजन क्या है इंडिविजुअल लेते हैं, पहले राइट आई कर लेते हैं उसके बाद लेफ्ट आई कर लेते हैं, बट उसके बाद भी पेशेंट को 6x60 का लेटर नहीं दिखता, उसको फिंगर काउंटिंग भी नहीं होती, उसको हैंड मूवमेंट भी नहीं होता एंड लास्ट जो हमारा रहता है वो रहता है आपका PLPR। अगर उसको PLPR भी एक्यूरेट नहीं है, इट मीन्स पेशेंट क्या है ब्लाइंड वाली कैटेगरी में है और डिपेंड करता है कि बोथ आई या फिर वन आई, ठीक है, मीन्स राइट या लेफ्ट या फिर दोनों आंख। तो चलिएगा हम PLPR के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे PL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रसेप्शन ऑफ लाइट, किसी भी लाइट को एक तरह से प्रसीव करना। PR की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी प्रोजेक्शन ऑफ रेज, जो रेज आपके वहाँ पे हमारी एक तरह से वहाँ पे आँख पे पड़ रही है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हमारा ये है राइट आई एंड ये है हमारा लेफ्ट आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारा पूरा प्रोसीजर देख लिया कि भाई पेशेंट को हैंड मूवमेंट भी नहीं है या उसको फिंगर काउंटिंग भी नहीं है। सबसे पहले हमारा 6x6 होता है, नहीं दिख रहा उसको, हम फिंगर काउंटिंग करते हैं ये कितनी है, दो करेंगे, फिर पीछे उस तब भी नहीं दिख रहा, हैंड मूवमेंट करेंगे, हैंड मूवमेंट भी नहीं दिख रहा, तब हम PLPR करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब PLPR करेंगे तो पेशेंट को बोलेंगे आप सीधा देखिए, अगर हम राइट आई का PLPR करते हैं देन लेफ्ट को क्या है हम ऑक्लूड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको ऑक्लूड कर देंगे ऑक्लूडर से, उसके बाद हम पहले राइट आई का PLPR करेंगे। तो जब हम PLPR करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट की आई है चाहे राइट या लेफ्ट, हमने यहाँ पे राइट आई ले ली, तो सबसे पहले हम सीधा लाइट डालेंगे, उसके लिए हम पहले लाइट को ऑफ कर देते हैं एंड सीधा लाइट डालेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कोई लाइट आ रही है, पेशेंट बोलेगा हाँ या नहीं, अगर पेशेंट बोला यस तो ठीक है राइट लाइट आ रही है, पेशेंट बोलेगा आ रही है, फिर हम उसको बंद कर देंगे, फिर पेशेंट से बंद लाइट में पूछेंगे लाइट आ रही है, पेशेंट बोलेगा नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे से मीन्स इंफीरियर से लाइट डालेंगे, पेशेंट को बोलेंगे लाइट को पकड़ो कहाँ से आ रही है, पेशेंट बोलेगा नीचे से लाइट आ रही है। उसके बाद हम सुपीरियर देखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे लाइट को पकड़ो कहाँ से आ रही है, पेशेंट बोलेगा सुपीरियर मीन्स ऊपर से लाइट आ रही है। उसके बाद हम इस साइड से दिखाएंगे टेम्पोरल साइड से, पेशेंट को बोलेंगे लाइट बताओ किधर से आ रही है, अगर पेशेंट बोलेगा कि हम इस साइड से लाइट आ रही है या फिर इस साइड से लाइट आ रही है, तो इट मीन्स अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, मीन्स पेशेंट को चारों डायरेक्शन एंड जस्ट फ्रंट वाली पांचों डायरेक्शन से मीन फोर क्वाड्रेंट से वो इजीली देख पा रहा है, तब उस कंडीशन में हम कैसे लिखेंगे अपना विजन, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ओडी PL प्लस PR एक्यूरेट। तो एक्यूरेट लिखने से पहले PLPR, उसके बाद में हम एक क्रॉस का साइन बनाएंगे, उसमें सही का टिक लगा देंगे, मीन्स PLPR और सामने हम लिख देंगे एक्यूरेट, क्या लिख देंगे एक्यूरेट, ठीक है। अब यहीं पे सेकंड जो कंडीशन रहती है वो रहती है आपकी, सपोज करो हमने पेशेंट को सारे डायरेक्शन से दिखाया, सबसे पहले यहाँ से दिखाया, पेशेंट को बोला यहाँ से दिखाया या फिर ऊपर से, जब हम दिखाएंगे अगर किसी भी साइड से सुपीरियर इंफीरियर एंड टेम्पोरल एंड नेजल, अगर इन साइड से किसी से भी एक साइड से पेशेंट नहीं देख पाता है या फिर सुपीरियर इंफीरियर से नहीं देख पाता है, तो हम PLPR लिख करके एंड यहाँ पे हम अपना कर देंगे
कुछ इस तरह से क्रॉस का साइन लगाएंगे, सुपीरियर और इंफीरियर पेशेंट नहीं देख पा रहा, इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे, लेकिन नेजल और टेम्पोरल देख रहा है तो इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मीन्स है कि पूरी तरह से एक्यूरेट पेशेंट को नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन। सेम हम लेफ्ट आई में भी ऐसे ही करेंगे। कब करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रोशनी कम है, चाहे उसको कोई इंजरी हुई है, ग्लैकोमा हो, मैट कैटरेक्ट की कंडीशन हो, या फिर उसको कोई कॉर्नियल प्रॉब्लम है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो, तो इन मेजर कंडीशन में हमें इस तरह का रीजन देखने को मिलता है। पूरा प्रोसीजर कैसे करते हैं, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।